हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सेकंड पार्ट के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें बच्चों हम लोग आज मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको दो बातें बताई थी, ट्रॉपिज्म और एक नेस्टिज्म। तो बच्चों, नेस्टिक मूवमेंट का भी छोड़ो, पहले हम ट्रॉपिज्म के बारे में बात करते हैं। अगर बच्चों मैं ट्रॉपिज्म के बारे में, यानी हिंदी में जिसे हम कहते हैं अनुवर्तन, क्या कहते हैं अनुवर्तन, इसके बारे में बात करें, तो ये होता क्या है? ये बच्चों ऐसी एक क्रिया है, एक ऐसा रिएक्शन है। किस तरह का रिएक्शन? मतलब किसी एक्शन के बदले रिएक्शन। वो रिएक्शन नहीं कि केमिकल मिलाया और कुछ नई चीज बन गई, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि भाई किसी बच्चे को ऐसे थप्पड़ मारा गया, ऐसे मारा गया, और उस बच्चे ने अपना गाल हटा लिया, तो हमने क्या देखा कि इधर की तरफ एक काम हुआ, लेकिन उस बच्चे ने अभी लगा भी नहीं है डर के मारे, उसने पहले अपना गाल हटा लिया। तो हमने क्या देखा बच्चों? हमने ये देखा कि भाई यहां पे एक मूवमेंट हुआ जो एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। यानी जब उसने उसके ऊपर अटैक किया, तो वो भी सामने से क्या हुआ, अपनी दूसरी डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर दिया। तो जब इस तरह का डायरेक्शनल वर्क होता है, डायरेक्शनल काम होता है, तो हम उसी को कहते हैं ट्रॉपिज्म। ठीक है। अच्छा, अब इस ट्रॉपिज्म में दो तरह के ट्रॉपिज्म इंक्लूड होते हैं। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, एक होता है नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ठीक है, अब ये पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, नेगेटिव ट्रॉपिज्म, इसका होने का कारण क्या होता है? याद रखना भाई, ट्रॉपिज्म का होने का कारण ये होता है कि जब स्टिमुली, मैंने बताया था स्टिमुली कौन होते हैं, स्टिमुली, स्टिमुली में क्या होता है बच्चों कि मैंने स्टिमुली का मतलब क्या बताया आपको, लास्ट क्लास में समझाया था, जैसे किसी ने भाई ये थप्पड़ मारने के लिए कोशिश की, तो ये कौन है? ये है ट्रॉपिक मूवमेंट कराने वाला। और थप्पड़ लगने से पहले या थप्पड़ लगने के बाद वो बच्चा अपना गाल हटा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो भाई स्टिमुली है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो बस, अगर स्टिमुली, ठीक है, अगर स्टिमुली किसी रिस्पॉन्स के टूवर्ड्स जा रहा है, किसी भी रिस्पॉन्स के फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है, यानी टूवर्ड्स उसी की तरफ जा रहा है, तो समझ लीजिए कि वो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म है। और अगर स्टिमुली रिस्पॉन्स के नेगेटिव जा रहा है, मतलब उल्टा जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, तो समझ लीजिए वो नेगेटिव ट्रॉपिज्म है। अब ये किस तरह का पॉजिटिव होता है, किस तरह का नेगेटिव होता है, तो पहले इसके लिए डेफिनेशन लिखो, फिर मैं सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा कि आखिरकार पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कौन सा होता है और नेगेटिव ट्रॉपिज्म कौन सा होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए फटाफट। लिखिए ट्रॉपिक मूवमेंट की, ट्रॉपिज्म की डेफिनेशन लिखिए, ट्रॉपिज्म बोल लो या ट्रॉपिक मूवमेंट बोल दो, एक ही बात है। लिखेंगे जरा, a growth movement of a plant part in response to an external, a growth movement of a plant part in response to an external, in external stimulus in which the direction, in which the direction stimulus determines the direction of response is called tropism। हिंदी वाले लिखेंगे कि जब किसी पौधे का भाग वृद्धि करने के लिए
जब किसी पौधे का भाग वृद्धि करने के लिए किसी बाह्य उद्दीपक के लिए क्रिया करता है, किसी बाह्य उद्दीपक के लिए, ऐसा लिखना, किसी बाह्य उद्दीपक के लिए किसी बाह्य उद्दीपक के लिए दिशा के अनुसार क्रिया करता है, दिशा के अनुसार क्रिया करता है, उसे अनुवर्तन कहते हैं, उसे अनुवर्तन कहते हैं, उसे अनुवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा अब क्या है, अब करना है आपको पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। तो लिखिए जरा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म के बारे में, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म के बारे में डेफिनेशन लिखिए। लिखो, इफ द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट, इफ द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट, इफ द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस, इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। अब नेगेटिव के बारे में लिखिए, अब नेगेटिव के बारे में लिखिए, इफ द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट, इफ द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट इज अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, इज अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, then it is called negative tropism, then it is called negative tropism। हिंदी वाले लिखेंगे इसको, बोलेंगे धनात्मक अनुवर्तन। ठीक है, धनात्मक अनुवर्तन लिखिए। देखिए, यदि पौधे का भाग, यदि पौधे के भाग की वृद्धि, यदि पौधे के भाग की वृद्धि, यदि पौधे के भाग की वृद्धि उद्दीपक की दिशा में हो, उद्दीपक, उद्दीपक की दिशा में हो, तो उसे धनात्मक अनुवर्तन कहेंगे, तो उसे धनात्मक अनुवर्तन कहेंगे। और अगला लिखेंगे, अगला लिखेंगे, यदि पौधे के भाग की वृद्धि, यदि पौधे के भाग की वृद्धि उद्दीपक के विपरीत हो, उद्दीपक के विपरीत हो, तो उसे ऋणात्मक अनुवर्तन कहेंगे, उसे ऋणात्मक अनुवर्तन कहेंगे, ऋणात्मक अनुवर्तन कहेंगे। हाँ जी, ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। लिख लो बच्चों टॉपिक, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म, ठीक है, हिंदी में अनुवर्तन के प्रकार, अनुवर्तन के प्रकार। प्यारे बच्चों, साथ साथ मत उतारना, ठीक है, पहले समझो फिर उतारना। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म याद रखना बच्चों, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म पांच तरह के होंगे, ठीक है। इधर मैं पॉजिटिव वाले पे लिखूंगा, यानी धनात्मक वाले, और इधर मैं नेगेटिव वाले लिखूंगा, मतलब ऋणात्मक वाले। ठीक है बच्चों, अब पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक वाले में हमें काम कैसे करना है, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, ठीक है। देखिए, पहले तो आप टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म जानिए। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म पांच तरह के होते हैं बच्चों, मतलब जो अनुवर्तन होता है, जो डायरेक्शनल चेंजेस आते हैं, ग्रोथ आता है, डायरेक्शनल ग्रोथ, वो पांच तरीके से आ सकता है। पहला तरीका क्या है बच्चों, पहला तरीका है फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म,
फोटोट्रॉपिज्म, हिंदी में प्रकाशीय अनुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। ठीक, अगला है, थोड़ा खिसका के लिख लेते, अगला है जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म मतलब क्या, गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। ठीक, अगला है हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो मतलब जल, यानी जलानुवर्तन। अगला है जल, हाइड्रो के बाद है कीमो, कीमोट्रॉपिज्म मतलब रसायनानुवर्तन। अगला है थिग्मो ट्रॉपिज्म मतलब स्पर्शानुवर्तन, मतलब स्पर्शानुवर्तन। तो प्यारे बच्चों, ये पांच तरह के ट्रॉपिज्म होते हैं, फोटोट्रॉपिज्म प्रकाशानुवर्तन, जियोट्रॉपिज्म गुरुत्वानुवर्तन, हाइड्रोट्रॉपिज्म जलानुवर्तन, कीमोट्रॉपिज्म रसायनानुवर्तन, थिग्मोट्रॉपिज्म स्पर्शानुवर्तन। देखो, फोटो का मतलब होता है लाइट, मतलब जब लाइट की तरफ डायरेक्शन बढ़ना शुरू हो जाए। जियो, जियो मतलब क्या, जमीन की तरफ जो बढ़ना शुरू कर दे। हाइड्रो मतलब जो पानी की तरफ बढ़ना शुरू कर दे। कीमो जो केमिकल की तरफ बढ़ना शुरू कर दे। थिग्मो जो टच की तरफ बढ़ना शुरू कर दे। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके सबके एग्जाम्पल। भाई, इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स कौन होगा, फोटोट्रॉपिज्म का पॉजिटिव रिस्पॉन्स कौन होगा? फोटोट्रॉपिज्म का पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है बच्चों स्टैम्प्स एंड सूट्स, स्टैम्प्स एंड सूट्स, तने और टहनिया, तने और टहनिया। क्यों बोल रहा हूं बच्चों मैं ऐसे, क्योंकि आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए कि प्लांट जो होता है, जो प्लांट होता है उसके दो भाग देखोगे आप, एक नीचे की तरफ जिसे आप रूट्स बोलते हो, और रूट्स नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे बढ़ते चले जाते हैं, इंक्रीज करते ही चले जाते हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन स्टेम वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करता है, स्टेम ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करता है, और टहनिया ऐसे 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 बढ़ना शुरू करती हैं। भले ही नीचे जाती हैं, लेकिन बढ़ती ऊपर की तरफ है। ऐसा थोड़ी होता है कि टहनिया मतलब बढ़ना शुरू हुई और इसके नीचे धस गई, ऐसे ऐसे चली गई। टहनिया ऐसे कभी नहीं जाती, टहनिया ऊपर ही रहती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन रिस्पॉन्स टू लाइट, और आपको तो पता ही है कि भाई प्लांट के सूट्स के टिप पर, सूट्स के टहनियों के टिप पर ऑक्सिन हार्मोन होता है, और ऑक्सिन हार्मोन जो होता है प्यारे बच्चों, वो लाइट के रिस्पॉन्स को बहुत अच्छा कवर करता है। मतलब जिस तरफ लाइट होगी उसी तरफ बढ़ेगी। इसका मैं एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है? तो याद रखना बच्चों, स्टेम और कौन सूट्स, ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए फोटोट्रॉपिज्म के क्या है ये पॉजिटिव, जबकि फोटोट्रॉपिज्म का नेगेटिव कौन है बच्चों, रूट्स। कौन है? रूट्स मतलब जड़े, ठीक है बच्चों? जड़ जो होती हैं वो फोटोट्रॉपिज्म नहीं करती, क्योंकि कभी भी जड़ ऐसा नहीं होता कि धूप खाने बाहर आ जाए और मतलब बढ़ती चली जाए, ऐसा कभी नहीं करती, ठीक है? अगला आता है बच्चों जियोट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म का बेस्ट एग्जांपल कौन है भाई? रूट्स। इसका है रूट्स, जड़े। क्यों? क्योंकि बच्चों कोई भी प्लांट जो होगा जियोट्रॉपिज्म, कभी स्टेम अंदर की तरफ ऐसा थोड़ी बढ़ता है, स्टेम कभी नहीं बढ़ता, स्टेम की जगह रूट्स बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? रूट्स इंक्रीज करते हैं, याद रखना। यानी एक बार जो जमीन के अंदर चला गया वो वहीं इंक्रीज करता रहेगा। और इसका नेगेटिव कौन हुआ? स्टेम एंड सूट्स, स्टेम्स एंड सूट्स, तने और टहनिया। हाइड्रोट्रॉपिज्म सेम चीज, पानी की तरफ कौन बढ़ता है? रूट्स, ठीक है? और कौन? नेगेटिव, स्टेम्स एंड सूट्स। यही होता है सेम कीमोट्रॉपिज्म के लिए। आप जानते हैं कि बच्चों कीमोट्रॉपिज्म केमिकल, केमिकल मतलब जैसे खाद वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह, ये एब्जॉर्ब कौन करता है? रूट्स करती हैं एब्जॉर्ब, ठीक है? रूट्स करती हैं एब्जॉर्ब, स्टेम्स एंड सूट्स, ठीक है? अब आता है थिग्मोट्रॉपिज्म। तो बच्चों थिग्मोट्रॉपिज्म के बारे में आपने देखा है, जो टच के साथ आगे बढ़ जाए, जो किसके साथ आगे बढ़ जाए? टच के साथ। तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने अंगूर के पौधे देखे हैं तो उसकी बेले देखी होंगी आपने, बेले, तो उसमें क्या देखते हो कि अगर एक डंडा भी लगा देते हैं तो उस डंडे के अंदर ही
उस डंडे के अंदर ही वो बेलें लपेट जाती हैं। या कई पौधे देखे होंगे आपने कि अगर वो पौधे बड़े लचीले से होते हैं, गिर जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उसके बीच में एक ऐसा डंडा रख देते हैं और उसी को उसी के साथ बांध देते हैं। तो क्या देखते हैं, उसी के साथ वो क्या करते हैं, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे होते हैं। कईयों का घर देखा होगा आपने, उन्होंने छोटा सा प्लांट लगा रखा होता है, लेकिन एक बार जब वो दीवार पर चढ़ जाता है तो चढ़ता ही चला जाता है, जैसे मनी प्लांट। तो बच्चों ये सारे के सारे थिग्मोट्रॉपिज्म है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो होगा वो होगा टेंड्रिल्स। क्या होगा, टेंड्रिल्स, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं स्पर्शक। क्या कहते हैं, स्पर्शक, ठीक है जी। वैसे हिंदी में भी टेंड्रिल्स ही बोलते हैं, लेकिन स्पर्शक जो क्या करते हैं बच्चों, जो किसी के साथ भी, मतलब किसी खूंटे के साथ या किसी भाई डंडे के साथ या किसी दीवार के साथ, जिसके साथ भी टच में आएंगे, स्पर्श में आएंगे, उसके साथ बढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन स्टेम, ये देखना इसका क्या है, स्टेम एंड शूट का, अगर ये किसी के टच में आ गए, शूट्स खासकर, शूट्स किसी के टच में आ गए तो उससे आगे बढ़ना मना कर देंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। प्लांट के शूट्स इसी प्रकार के होते हैं कि अगर वो किसी में टच हो गए तो आगे बढ़ना बंद कर देंगे, वहीं स्टेबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म का पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्सा पढ़ा। ये उतारो, फिर आपको मैं एक प्रैक्टिकल करवाता हूँ। जल्दी से नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए बच्चों अब अगला देखते हैं। अगला है बच्चों, अब हम इसके मूवमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अब देखो बच्चों, अगर बात की जाए इनकी डेफिनेशन की, तो बच्चों डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, जैसे मैं बता दूं। हाँ जी, द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। क्या लिखोगे, द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट, लिखो लिखो, द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म, इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। सेम केस, ठीक है, इसमें इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी जियोट्रॉपिज्म, इन रिस्पॉन्स टू वाटर हाइड्रोट्रॉपिज्म, इन रिस्पॉन्स टू केमिकल कीमोट्रॉपिज्म, इन रिस्पॉन्स टू टच थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू लाइट, इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, इन रिस्पॉन्स टू वाटर, इन रिस्पॉन्स टू केमिकल, इन रिस्पॉन्स टू थिंक, मतलब टच, ठीक है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, लिखिए, किसी पौधे के भाग की वृद्धि, किसी पौधे के भाग की वृद्धि यदि प्रकाश की ओर हो, यदि प्रकाश की ओर हो तो उसे, नहीं प्रकाश की ओर नहीं हो, प्रकाश के कारण हो, प्रकाश के कारण हो तो उसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, तो उसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, ठीक है। फिर अब यही, गुरुत्व के कारण हो गुरुत्वानुवर्तन, जल के कारण हो जलानुवर्तन, ठीक है, रसायन के कारण हो रसायनानुवर्तन, ठीक है, स्पर्श के कारण हो स्पर्शानुवर्तन, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसे।
ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल देख लो, ठीक है? इसमें इतना ही पढ़ाना था। हाँ जी, देखिए बच्चों, अब क्या है, मान लीजिए ये एक कमरा है और यहां पर एक विंडो है, ये होगी बाहर भाई, मान लो धूप, सनलाइट, और मैंने यहां एक टेबल पर एक गमला रखा हुआ है, ठीक है, सॉरी, गमला ऐसे रखता हूं मैं, मान लीजिए मैंने गमला ऐसे रखा हुआ है, ऐसे लिटा के रखा हुआ है, और नीचे भी छेद है, ये जड़े हो गई, ये ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है भाई, अब कमरा बिल्कुल अंधेरे में, कमरा कैसा है, अंधेरे में, लेकिन जब भाई धूप की रोशनी इसमें से आई, या इसमें ऐसे, तो बताइए इसमें कौन कौन सी ग्रोथ आपको दिखाई देगी, कौन कौन सी ग्रोथ दिखाई देगी और कहां कहां दिखाई देगी। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां पर दिखाई देगी, क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन आया था ये बोर्ड के पेपर का ही है। तो बता क्या बच्चों, अब मैंने आपको क्या बताया था, सूट्स में आगे की तरफ ऑक्सिन हार्मोन होता है और ऑक्सिन हार्मोन लाइट के लिए रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, मतलब क्या, लाइट को देख के भाई अपने मूवमेंट को बदल लेता है। तो इस वजह से अब देखो ये सारे लीव्स वगैरह, ये सब सूट्स वगैरह क्या है, टिप पॉइंट्स है, जब लाइट इस पे पड़ेगी तो ऑक्सिन हार्मोन क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव हो जाएगा तो ये सारी ग्रोथ इस तरफ बढ़ने लग जाएगी, मतलब जितने हिस्से पे लाइट पड़ेगी उस हिस्से पे तो ग्रोथ होगी, जिन हिस्से पे लाइट नहीं पड़ेगी ग्रोथ उधर का थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि इधर के हिस्से में जो ऑक्सीजन है उसको तो लाइट मिल नहीं रही, जब लाइट मिलेगी नहीं तो वो उसके लिए रिस्पॉन्स करेगा नहीं, और इधर के हिस्सों पे प्रॉपर लाइट मिल रही है, तो इस वजह से हम क्या देखेंगे कि जितने हिस्सों पे लाइट मिली उतने हिस्सों ने तो रिस्पॉन्स किया, और जितने हिस्सों में लाइट नहीं मिली उतने हिस्सों ने रिस्पॉन्स नहीं किया। अब बाकी आते हैं कि ये रूट्स वगैरह क्या करेंगे, तो भाई रूट्स वगैरह में जब तक इनके पास भाई फैलने की जगह या इनको केमिकल और वाटर मिलता जा रहा है तो ये ग्रोथ करेंगी, और अगर ये सब भी नहीं मिल रहा है तो ये भी ग्रोथ करना बंद कर देंगी, क्योंकि हर किसी की ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ जरूरी है, वैसे ही जैसे हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ करने के लिए फूड जरूरी है, तो इनके भी चीज के लिए ग्रोथ करने के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जरूरी है। जैसे इस प्लांट ने देखा कि भाई अंधेरा कमरा था लेकिन जितने हिस्सों पर धूप पड़ रही है तो वो रिस्पॉन्स कर रहा है, ग्रोथ में तेजी ला रहा है, लेकिन बाकी जो ग्रोथ कर रहे हैं वो बहुत स्लो प्रोसेस के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमने प्रैक्टिकल में देखा कि एक एक्सपेरिमेंट में देखा कि लाइट इज नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ, इसी प्रकार से आप देखेंगे केमिकल, केमिकल इज नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे क्या भाई, अब जैसे केमिकल के बारे में मैं आपको 8 चैप्टर में पढ़ाऊंगा, क्या कि भाई अगर पोलन ग्रेन ना जाए किसमें, कार्पेल में, तो कभी भी नया फ्लावर डेवलप हो ही नहीं सकता, नया फ्लावर डेवलप हो ही नहीं सकता, तो ये सारी बातें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, कोई दिक्कत बच्चों? तो इस प्रकार से ये सारी चीजें इसमें नेसेसरी हो जाती हैं, तो आपको यहाँ लिखना है लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोट्रॉपिज्म, फिर वाटर में लिखना है वाटर इज नेसेसरी फॉर हाइड्रोट्रॉपिज्म, फिर लिखना है ग्रेविटी इज नेसेसरी फॉर जियोट्रॉपिज्म, फिर आपको लिखना है केमिकल इज नेसेसरी फॉर कीमोट्रोपिज्म एंड टच इज नेसेसरी फॉर थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर लास्ट नेक्स्ट नेस्टिक मूवमेंट पढ़ा रहा हूं, फिर सारे मूवमेंट खत्म हो जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में हॉर्मोन्स वगैरह ये सब पढ़ेंगे, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 क्लास का और, हद से हद 1 से 1.5 क्लास का और रह गया चैप्टर, ठीक है, चलिए खत्म करता हूं इसको आज मैं। तो प्यारे बच्चे अब देखेंगे हम, अब है नेस्टिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट का मतलब है अनुकुंचन गति,
अनुकुंचन गति। बच्चों अनुकुंचन गति का मतलब क्या है? अनुकुंचन गति का मतलब है कि जब कोई नॉन डायरेक्शनल वर्क हो, जब क्या हो, कोई नॉन डायरेक्शनल वर्क हो। नॉन डायरेक्शनल वर्क का मतलब क्या है बच्चों? कि जब हम लोग क्या देखें, नॉन डायरेक्शनल वर्क का मतलब क्या है कि जब हम लोग क्या देखें कि एक काम अब तक जो रिस्पांस में हो रहा था, अब वो रिस्पांस के अपोजिट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिस्पांस के अपोजिट हो रहा है। मतलब हमने क्या देखा था पहले कि प्लांट प्लांट भाई लाइट को देख के आगे बढ़ रहा था, रूट्स पानी को, ग्रेविटी को देख के आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाई देगा। जैसे इसमें दो ही मूवमेंट आते हैं बच्चों, एक आता है थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट और एक आता है फोटोनेस्टिक मूवमेंट। बस यही, और कोई नहीं आता। प्रकाशानुकुंचन और एक आता है स्पर्शानुकुंचन। स्पर्शानुकुंचन ठीक है जी, फोटोनेस्टिक, प्रकाशानुकुंचन और स्पर्शानुकुंचन। प्यारे बच्चों फोटोनेस्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया कौन सा है? मून फ्लावर, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं रात की रानी। बच्चों ये एक ऐसा फ्लावर है, ये एक ऐसा फ्लावर है जो, इसका मून फ्लावर नाम होने का कारण क्या है? देखो फूल का असली मतलब क्या होता है कि जब आप उसे दिन के टाइम पे देखेंगे तो वो चमकेगा, बड़ा अच्छा कलरफुल होता है, ठीक है, जैसे रोज है, ठीक है, रोज पे अगर लाइट पड़ जाए तो इतना अच्छा लगता है। सनफ्लावर, उस पे सन की लाइट पड़ जाए तो इतना अच्छा लगता है देखने में, इतना बढ़िया सा लगता है। तो मतलब क्या हुआ, लाइट पड़ी तो बड़ा अच्छा सुंदर सा लगा, लेकिन जब इस पे लाइट पड़ेगी ना मून फ्लावर पे, तो ये ऐसा लगेगा जैसे मुरझा गया है, मर गया है, ऐसा लगेगा बच्चों। तो इसलिए इसको फोटोनेस्टिक कहते हैं। लेकिन जब अंधेरा हो जाएगा, जब अंधेरा हो जाएगा तो ग्लो करने लगेगा, चमकने लगेगा। जैसे आप लोग बचपन में या अभी भी कभी टैटू लगाते होंगे, जैसे टैटू लगा लिया यहाँ पे, कौन सा वो चिपकाने वाला जो होता है, तो क्या होता है, देखोगे आप अंधेरे में जाओगे तो चमकने लगेगा और वापस उजाले में आओगे तो बड़ा भद्दा सा लगेगा देखने में। तो वो इसी प्रकार का कुछ है कि जब अंधेरा हो जाता है तो मून फ्लावर क्या करता है बच्चों? मून फ्लावर क्या करता है? ये चमकने लगता है, और जब रोशनी रहती है, लाइट रहती है, तो बिल्कुल भी नहीं चमकता, बेकार हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि फोटोनेस्टिक मूवमेंट में बेस्ट एग्जांपल मून फ्लावर है। अच्छा, और थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट में, यानी क्या थिग्मोनेस्टिक मतलब क्या? अब तक हम क्या देख रहे थे? टच के साथ ग्रोथ कर रहा था, टेंड्रिल्स जो लपेट रहा था, टच जहां जहां मिल रहा सबको लपेट दिया उसने। मनी प्लांट, टच जहां मिल रहा था उसी के साथ साथ आगे बढ़ गया। लेकिन अब हम एक नाम लेने वाले हैं, मीमोसा पुडी का। अब तुम कहोगे क्या नाम ले दिया सर ये सड़ा हुआ सा? तो भाई ये मीमोसा पुडी का असल में पता है कौन है? हिंदी में से कहते हैं छुई मुई का पौधा। छुई मुई का पौधा हिंदी में टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट। मतलब क्या, आप इसके प्लांट को शायद किसी बच्चे ने देखा भी होगा। देखो भाई मैंने अपनी लाइफ में तो नहीं देखा आज तक, ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि क्या होता है कि अगर इसके प्लांट को टच कर दो, इसके मतलब यानी वो पत्तियों को, लीव्स को टच कर दो, तो बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे आप हाथ हटाओगे तो थोड़ी देर बाद वापस कैसे होते हैं? वापस अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं। तो इसलिए छुई मुई कहते हैं इन्हें, कि मतलब छूते ही ऐसा लगेगा जैसे मुरझा गया, लेकिन जब हाथ हटा दोगे थोड़ी देर बाद वापस अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाएंगे। तो मतलब हमने क्या देखा, अब तक कोई चीज टच कर रही थी तो ग्रोथ कर रही थी, लेकिन अब की बार इसको टच किया तो मुरझाने लग गया। इट मींस थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट मतलब अपोजिट वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? अपोजिट वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चों इसके बस यही दो एग्जाम्पल हैं, और इसी के साथ हमारे मूवमेंट का टॉपिक हो जाता है खत्म। तो इसका डेफिनेशन लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए जरा डेफिनेशन लिख लो बच्चों, पहले नेस्टिक मूवमेंट की डेफिनेशन लिख लो, ठीक है? पहले नोट कर लो, एक काम करो नोट करो फिर मैं लिखवा देता हूं। ये नोट कर लो, वीडियो पॉज करो, नोट कर लो। कर लिया, चलो लिखिए। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, an external stimulus in which the direction
इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड, इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट, इज कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है बच्चों, हिंदी वाले लिखेंगे, लिखेंगे पौधे के भाग कि ऐसी गति जो किसी बाह्य उद्दीपक जो किसी बाह्य उद्दीपक एक मिनट बच्चों एक मिनट जो किसी बाह्य उद्दीपक के लिए प्रतिक्रिया जो किसी बाह्य उद्दीपक के लिए प्रतिक्रिया दिशात्मक ना हो, जो किसी बाह्य उद्दीपक के लिए प्रतिक्रिया दिशात्मक ना हो के लिए प्रतिक्रिया दिशात्मक ना हो उसे उसे अनुकुंचन गति कहते हैं, उसे अनुकुंचन गति कहते हैं। ठीक है, चलिए अब फोटोनेस्टिक का लिखिए। चलो पहले थिग्मोनेस्टिक का लिख लो, थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट लिखो। द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट in response to the touch, in response to the touch of an object is called thigmonasty. Plant part in response to the touch of an object is called thigmonasty. ठीक है, चलिए आगे देखेंगे फोटोनेस्टिक मूवमेंट के बारे में डेफिनेशन। अच्छा हिंदी वाले तो लिख लो पहले, हिंदी वाले लिखो, लिखो पौधे के भाग की ऐसी आदिशात्मक गति, पौधे के भाग की ऐसी आदिशात्मक गति जो प्रकाश जो स्पर्श के लिए प्रतिक्रिया ना करे, ऐसी सॉरी प्रकाश के लिए क्या बोल रहा हूं यार सॉरी मैंने कहा क्या पौधे के भाग की ऐसी आदिशात्मक गति, ऐसी आदिशात्मक गति जो स्पर्श के लिए प्रतिक्रिया करे, जो स्पर्श के लिए प्रतिक्रिया करे इस पर सानुकुंचन कहलाता है, इस पर सानुकुंचन कहलाता है, इस पर सानुकुंचन कहलाता है। अब लिखेंगे फोटोनेस्टिक के बारे में। द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द लाइट is called photonastic, is called photonastic movement, is called photonastic movement। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे, हिंदी वाले एक आदिशात्मक गति,
किसी पौधे की आदिशात्मक गति, किसी पौधे की आदिशात्मक गति जो जो प्रकाश के लिए प्रतिक्रिया करे, जो प्रकाश के लिए प्रतिक्रिया करे, प्रकाश अनुकुंचन कहलाता है, प्रकाश अनुकुंचन कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज आप लोगों को मैंने पूरा नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट खत्म करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में नर्वस सिस्टम शुरू करूंगा और नर्वस सिस्टम शुरू करवा के पूरा खत्म भी करवा दूंगा, पूरा तो नहीं मतलब ब्रेन तक मैं आपका एटलीस्ट खत्म करा दूंगा। ठीक है, तो दो क्लास का है, ज्यादा है नहीं बड़ा, तो दो क्लास का है, फटाफट लिखवा के फटाफट खत्म करा दिया जाएगा और जल्द से जल्द हम लोग इसके बाद फिजिक्स शुरू करेंगे और फिजिक्स के लिए आगे बढ़ेंगे। 13 चैप्टर या 12 चैप्टर शुरू करूंगा। चलिए बाय।